अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मसन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.7 की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने जो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन वाला हमारे पास जो टॉपिक था, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप उस लेक्चर का लिंक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में इसके बाद वाले जो हमारे पास क्वेश्चन हैं और ये वाला जो हमारे पास टॉपिक है सेकेंड डेरिवेटिव वाला, इसके अंदर आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक देखेंगे। सिंपल है, इजी है, आप लेक्चर को आखिर तक देखना। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए उसको सिंप्लीफाई करने की, सिंपल करने की, इजी करने की, ताकि आपको समझ आ जाए। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल के बटन को प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट समय जब भी वीडियो लेकर आता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखें जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कहते हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र विच इज इक्वल टू वन। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको इसकी समरी बता देता हूँ। बेसिकली हमने क्वेश्चन में करना क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन क्या होती है। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं, उसकी डेफिनेशन को समझना चाहते हैं, उसका लेक्चर भी मैंने अपलोड किया हुआ, आप जाकर लाजमी देखिए। तो इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट क्वेश्चन था, उसके अंदर मैंने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को डिफाइन किया था। तो कहता है उसी को यूज करते हुए आपने इसके अंदर भी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव यानी कि डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर निकालेंगे और उसका फाइनल आंसर हमारे पास होगा, उसी को हमने लेके चलना है। इसी के साथ सारे क्वेश्चन में हमने ऐसे ही करना है, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम लोग उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फिर हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, आपको सारी समझ आ जाएगी बेसिकली हमने इसमें करना क्या। सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो देखें जी, इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बनेगा आपके पास, इसका डेरिवेटिव आएगा जी 2x, इसका डेरिवेटिव आएगा जी आपके पास 2y, और y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो y प्राइम बन जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है। y प्राइम लिख लें या फिर लिख लें dy ओवर dx, एक ही बात आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है जी। मैंने देखें क्या किया, यहाँ पे पावर लगा 2y पीछे आ गया और y का दोबारा से डेरिवेटिव लिया x की रिस्पेक्ट से, तो वो बन गया y प्राइम या फिर dy ओवर dx। अब ये चीज आपके पास आ चुकी है, अब आप लोग क्या करें, इसको 2x को उधर लेके चले जाते हैं, 2y प्राइम विच इज इक्वल टू माइनस 2x, y प्राइम हमें चाहिए ना एक साइड पे, तो ये बन जाएगा माइनस 2x, इसको नीचे ले जाए तो ये बन जाएगा 2y, 2 से कैंसिल तो ये आ गया जी माइनस एक्स ओवर वाई। ये है जी आप लोगों के पास फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि y प्राइम, ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो ले लें जिसका दोबारा से डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्योंकि ये आपके पास बटे की फॉर्म में है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा। अब यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, यहाँ पे मैंने कोशेंट रूल लगाया, इसके अंदर जो है ना वो हमने डेरिवेटिव वाले चैप्टर्स के अंदर हमने डिफरेंट रूल्स को डिस्कस किया हुआ है। कोशेंट रूल क्या होता है, पावर रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, हॉस्पिटल रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, सारे के सारे रूल्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आप लोग उन रूल्स को देखना चाहते हैं उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और यहाँ पे बटन पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ठीक है। वो लेक्चर लाजमी देखिए जाके। तो बात करते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई करेंगे। तो जब डबल डेरिवेटिव लेंगे, दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास y डबल प्राइम, तो ये विच इज इक्वल टू, अब ये क्या बनेगा जी, नीचे y का स्केयर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा y का स्केयर, ऊपर y वैसे का वैसे आएगा, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाली टर्म का, ठीक हो गया जी। फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर आप लोग यहाँ पे माइनस लिखेंगे, फिर ऊपर वाली टर्म वैसे के वैसे लिखेंगे, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाली टर्म का। अब यहाँ पे देखिए y डबल प्राइम हमारे पास यहाँ पे क्या आने जा रहा है, ये y तो वैसे का वैसे आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे आप लोग माइनस एक्स का, तो ये माइनस वन बन जाएगा, माइनस वन बन जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, y का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा जी y प्राइम, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा वाई स्केयर। अब अभी हमने यहाँ पे पढ़ा y प्राइम विच इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर y, तो यहाँ पे आप लोग y प्राइम की जगह पे ये पुट कर सकते हैं माइनस एक्स ओवर y, तो पुट करते हैं, देखें जी क्या बनने जा रहा है जी, y ये माइनस वाई बन जाएगा, माइनस वाई प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स ओवर वाई बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में जी आपके पास वाई स्केयर। अब देखें इन दोनों को अगर आपस में करता हूं मल्टीप्लाई, x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस, ये देखें जी करते हैं यहाँ पे y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस माइनस 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 वाई माइनस एक्स स्केयर ओवर वाई बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास ऑलरेडी वाई स्केयर है। अब यहाँ पे क्या बनने जा रहा है जी, वाई डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपके पास वाई है, तो यहाँ पे आप लोग उसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में वाई आएगा, वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई स्केयर बन जाएगा, माइनस
वाई वाई से कैंसिल आ जाएगा एक्स स्क्र, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाए वाई स्क्र। अब ये दोनों चीज़ें आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, इन दोनों को अगर आप लोग आपस में करेंगे मल्टीप्लाई तो ये बनेगा जी आप लोगों के पास वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र ओवर, इन दोनों को करिए मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा जी वाई की पावर थ्री। अब देखें जी यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्र है, तो एक्स स्क्र की जगह पे आप लोग अगर यहाँ से आप लोग वैल्यू निकाले एक्स स्क्र की, उसने हमें बोला हुआ ना एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है, उसने हमें क्वेश्चन में बोला हुआ कि आपने एक्स के लिए और वाई की वैल्यूज के लिए सॉल्व करना है, तो फिर हम लोग यहां से निकाल लेते हैं वाई की वैल्यू निकाल के पुट कर दें, फिर एक्स की नहीं निकाल के पुट कर, एक्स की निकालते हैं एक्स स्क्वायर की निकालते हैं, तो ये उधर जाके बनेगा वन माइनस वाई स्क्वायर, तो यहां पर पुट कर दे वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जी आपके पास वाई की पावर थ्री, y डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे जी आपके पास y की पावर थ्री, y डबल प्राइम इज इक्वल टू ये आपके उसमें कैंसिल तो माइनस वन ओवर y की पावर थ्री। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, कहते हैं एक्स पावर टू ओवर थ्री प्लस वाई की पावर टू ओवर थ्री विच इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पे देखिए जी इसका डेरिवेटिव लेंगे आप लोग एक्स की रिस्पेक्ट से, तो डेरिवेटिव यहाँ पे पावर लगेगा तो टू ओवर थ्री जो है ना वो पीछे आ जाएगा, और एक्स की पावर में एक माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस वन ओवर थ्री प्लस, इसी तरह से ये भी पीछे आ जाएगा टू ओवर थ्री भी पीछे आ जाएगा, वाई की पावर में टू ओवर थ्री में एक माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस वन ओवर थ्री, और इस y का दोबारा से जब डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा जी y प्राइम विच इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज हमारे पास बन चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोग उस साइड पे लेके चले जाते हैं, ये बन जाएगा जी टू ओवर थ्री वाई की पावर माइनस वन ओवर थ्री वाई प्राइम विच इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस टू ओवर थ्री एक्स की पावर माइनस वन ओवर थ्री। अब देखें जी यहाँ से हमने हमें y प्राइम चाहिए, y प्राइम को एक साइड पे कर लेते हैं, y प्राइम को आप लोग अगर इधर ही रहने दें तो ये बन जाएगा माइनस टू ओवर थ्री एक्स की पावर माइनस वन ओवर थ्री, और डिनोमिनेटर में ये जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा जी टू ओवर थ्री वाई की पावर माइनस वन ओवर थ्री। ये इसका आपके पास आंसर आ चुका। अब ये क्या बनेगा जी वाई प्राइम विच इज इक्वल टू जी माइनस टू ओवर थ्री, टू ओवर थ्री के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा जी आपके पास माइनस एक्स की पावर माइनस वन ओवर थ्री ओवर वाई की पावर माइनस वन ओवर थ्री। अब वाई प्राइम विच इज इक्वल टू ये क्या बनने जा रहा है, अगर मैं इन दोनों को उल्टा देता हूँ, यहाँ पे इसके साथ भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस है, अगर मैं इनको ऊपर नीचे लेके जाता हूँ तो इसके साथ प्लस आ जाएगा, देखिए जी क्या बनेगा माइनस माइनस ये बन जाएगा जी y को ऊपर लेके जाए y की पावर 1 ओवर 3 ओवर x की पावर 1 ओवर 3, ये चीज आपके पास बन जाएगी, ये आ गया जी आपके पास y प्राइम। अब हमने क्या करना, इसका डबल डेरिवेटिव लेना, दोबारा से डेरिवेटिव लेना है तो दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली ये डिवाइड की शक्ल में बटे की फॉर्म में, तो यहाँ पे आपके पास लगेगा कोशेंट रूल, तो कोशेंट रूल लगा दें जी, दोबारा से मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये क्या बनेगा जी आपके पास, नीचे x की पावर 1 ओवर 3 है, x की पावर 1 ओवर 3 का इसका भी आप स्क्वायर लेंगे, ऊपर x की पावर 1 ओवर 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे माइनस y की पावर 1 ओवर 3 का, फिर आप लोग माइनस लिखेंगे, फिर आप लोग माइनस y की पावर 1 ओवर 3 वैसे का वैसे लिखेंगे, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाली टर्म का इनके x की पावर 1 ओवर 3 का, तो ये क्या बनेगा y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रूल लगाया, क्वेश्चन रूल में क्या होता है, नीचे वाली का स्केयर, नीचे वाली एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली एज इट इज नीचे वाली का डेरिवेटिव, ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन रूल है। तो ये है जी आपके पास x की पावर 1 ओवर 3 वैसे के वैसे आ जाएगा, यहाँ इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 ओवर 3 पीछे आ जाएगा, बनेगा माइनस 1 ओवर 3 y की पावर में 1 ओवर 3 माइनस 1 करेंगे, 1 ओवर 3 माइनस 1 करेंगे तो ये क्या बनेगा जी 1 माइनस 3 माइनस 2 ओवर 3 माइनस 2 ओवर 3 आ जाएगा, और इस y का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है जी y प्राइम माइनस, इसी तरह से ये बनेगा माइनस y की पावर 1 ओवर 3, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव इसको पीछे आ जाएगा 1 ओवर 3 x की पावर 1 ओवर 3 माइनस 1 किया, 1 ओवर 3 माइनस 1 किया तो माइनस 2 ओवर 3 यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस 2 ओवर 3, और डिनोमिनेटर में जी यहाँ पे आपके पास x की पावर 2 ओवर 3, इसको 1 ओवर 3 का स्केयर लेंगे तो 2 ओवर 3 आ जाएगा। देखें जी मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्वेश्चन इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, हम खुद ही उनको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, लेकिन अगर उसको एक स्टेप बाय स्टेप किया जाए, समझ के हर एक स्टेप को समझा जाए, क्लियरली समझा जाए, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, इजी होते हैं। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीज़ है,
यहां पे y प्राइम भी यहां पे आ रहा है, तो y प्राइम किसके बराबर है, y प्राइम इस चीज के बराबर है, तो मैं क्यों y प्राइम की जगह पे इसको पुट कर सकता हूं। ठीक है जी, तो कर देते हैं फिर पुट, हमारे पास यहां पे क्या बनेगा, x की पावर 1/3, ये जी आपके पास -1/3, y की पावर -2/3, और y प्राइम की जगह पे पुट करें जी -y की पावर 1/3, -y की पावर 1/3, और डिनोमिनेटर में जी आपके पास x की पावर 1/3 माइनस, ये सारा का सारा इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, ये दो ब्रैकेट यहाँ पे आएंगी। हाँ जी, उसके बाद देखें जी यहाँ पे ये माइनस और ये भी माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, और ये बनेगा जी आपके पास y की पावर 1/3 x की पावर -2/3, इसको भी आप लोग ब्रैकेट में कर दें, क्लोज कर दें। और डिनोमिनेटर में आपके पास है जी ऑलरेडी आपके पास डिनोमिनेटर में x की पावर 2/3, उसके बाद देखें जी क्या बनेगा। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास x की पावर 1/3 है, ये भी आपके पास x की पावर 1/3, तो क्यों ना हम इसको कैंसिल कर दें, आपको सिंपलीफाई हो जाएगा क्वेश्चन। मैंने कर दिया जी दोनों को यहाँ पे से कैंसिल कर दिया, तो ये क्या बनेगा जी आप लोगों के पास, ये आपके पास है जी -1/3, अब ये y की पावर -2/3 है, और ये y की पावर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो उसको प्लस कर दें। अब देखें जी y की पावर -2/3, ये भी y की पावर 1/3 है, तो दोनों की पावरों को जमा करेंगे, क्योंकि जब इसकी बेस बराबर होती है, सेम होती है, तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो -2/3 + 1/3 करेंगे तो ये आएगा जी y की पावर -1/3 आ जाएगा। ठीक है, ये करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद है जी हमारे पास क्या है यहाँ पे, प्लस y की, इसको भी पहले लिख लें, 1/3 को भी हम लोग पहले लिखते हैं, +1/3 y की पावर 1/3 और x की पावर -2/3 और होल के बटे में जी x की पावर 2/3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बटे में भी ये लिख लें, इसके बटे में भी ये, सिंपल दोनों को अलग अलग से दोनों के बटे में लिख लें, तो y" = 1/3 y की पावर -1/3, इसको इसके बटे में लिखेंगे तो इसको ऊपर लेके चले जाते, तो बन जाएगा x की पावर -2/3, इसको ऊपर लेके इसके साथ गया तो ये बन गया x की पावर -2/3 प्लस, इसको लिख लें जी 1/3 y की पावर 1/3, अब ये आपके पास है जी x की पावर -2/3, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी ऊपर जाके -2/3 हो जाएगा, तो -2/3 बन जाएगा x की पावर -4/3। देखिए पहले इसको अगर हम लोग लिख लेते हैं, उन्होंने जैसे किया होगा जी y" इसको पहले लिख लेते हैं, तो ये y की पावर 1/3 को आप ऊपर लिख लें और बटे में ये 3 है तो 3 नीचे चला जाएगा, और ये x की पावर -4/3 तो बन जाएगा x की पावर 4/3, इसके साथ कुछ ना कुछ इसका प्लस होता है। अब ये 1/3 है तो ऊपर लिखें जी 1/3, ये नीचे आके बन जाएगा जी y की पावर 1/3, और ये नीचे आके बनेगा x की पावर 2/3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। आई थिंक मैंने इसको एक एक स्टेप करके आपको समझाया बताया ताकि आपको समझ आ जाए, मे बी लेक्चर थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो, समझ आए। उसके लिए आप लोग लाजमी सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि उनका भी भला हो सके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, कहते हैं वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, हमें दिए हुए डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव बनेगा जी 2y, और y का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो y प्राइम बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव भी अच्छी 2x प्लस इसका डेरिवेटिव आपके पास 2 होता है, तो यहां से आप लोग y प्राइम इजीली निकाल सकते हैं, तो ये बनेगा y प्राइम विच इज इक्वल टू 2x प्लस 2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास 2y, अब यहां से ऊपर आप लोग 2 कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा x प्लस 1, डिनोमिनेटर में आपके पास जी 2y, 2 के साथ कर दें कैंसिल, तो y प्राइम विच इज इक्वल टू x प्लस 1/y। अजान सुन दें जी पहले, Thank you.
तो ये जी हमने क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 21 था मैंने कंप्लीट कर लिया। मैंने सिंपली एक एक स्टेप करके आपको बता दिया, अगर आपने सुन लिया आपको समझ आ गई है, सुना तो आपने नहीं लेकिन आपने समझा तो हो गई। ये हमारे पास वाई प्राइम था, यहाँ पे मैंने क्या किया क्वेश्चन रूल लगा के मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, इसको सिंप्लीफाई किया। तो जहाँ पे हमारे पास वाई प्राइम था, वाई प्राइम की जगह पे मैंने एक्स प्लस वन ओवर वाई पुट किया, यहाँ पे एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन दोनों को मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, दोनों को इकट्ठा करके लिए तो वो बन गया एक्स प्लस वन का स्केयर ओवर वाई, नीचे वाई स्केयर। अब यहाँ पे मैंने y को लिया एलसीएम लिया, तो ये एलसीएम लिया तो y y से मल्टीप्लाई हो तो y स्केयर माइनस y y से कैंसिल x प्लस वन का स्केयर बटे में आपके पास y स्केयर है। अब बटे और बटा दोनों आपस में हो जाते हैं मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा y की पावर 3 ऊपर है जी y स्केयर माइनस इंटू x प्लस वन का स्केयर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग खुद कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 आप खुद करें। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर रब्ता करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, और इसके अलावा फॉलो लाजमी कीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं जी क्या चीज़ है। क्वेश्चन 23 में देखे कहते हैं जी 2 × √y = x - y, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो उसको आप लोग पहले लिख सकते हैं 2y की पावर 1 ओवर 2 लिख सकते हैं स्केल को खत्म करके, तो ये जी आपके पास x माइनस वाई इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बनेगा जी 1 ओवर 2 पीछे आ जाएगा, 1 ओवर 2 जब पीछे आ जाएगा तो ये बनेगा y की पावर में एक और माइनस करके माइनस 1 ओवर 2 बन जाएगा, y का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो y प्राइम आ जाएगा x। अब यहां में देखेंगे x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 माइनस y का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा जी आपके पास y प्राइम। अब यहां पे 2 2 के साथ कर दें कैंसिल, 2 2 से कैंसिल हो गया तो ये बना जी आपके पास y की पावर माइनस वन ओवर टू वाई प्राइम विच इज इक्वल टू वन माइनस वाई प्राइम। अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास क्या बनने जा रहा है, वाई की पावर माइनस वन ओवर टू है वाई प्राइम है, इस वाई प्राइम को आप लोग इधर लेके चले जाए तो ये बनेगा जी वाई की पावर माइनस वन ओवर टू वाई प्राइम, इसको इधर लेके आएगा जी बनेगा प्लस वाई प्राइम विच इज इक्वल टू वन। अब यहाँ से आप लोग वाई प्राइम को कम ले सकते हैं तो वाई प्राइम को मैं कम लेता हूँ, ये बनेगा वाई की पावर माइनस वन ओवर टू प्लस वन विच इज इक्वल टू वन। अब आप लोगों के पास बनेगा जी वाई प्राइम विच इज इक्वल टू वन ओवर, इसको उधर नीचे ले जाएं ये बन जाएगा जी वाई की पावर माइनस वन ओवर टू प्लस वन बन जाएगा। तो आई थिंक यही है जी आपके पास वाई प्राइम का आंसर। हाँ जी वाई प्राइम का आपके पास यही है, इसको आप लोग हाईलाइट भी कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करें इसका अगेन दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन यहाँ पे दो चीजें आपके पास, या तो आप लोग इसको इस इक्वेशन को यूज करके अगेन डेरिवेटिव ले लें या फिर इसको यूज करके इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें। तो आई थिंक इसको करने से आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग इस इक्वेशन को लेकर इक्वेशन नंबर ए को लेकर इसका अगेन हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, ताकि यहाँ पे हम लोग सिंपली लगाएंगे जी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यही हमारे पास इजी क्वेश्चन होगा। तो कर लेते हैं यहाँ से इसका दोबारा से हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये आपके पास बनने जा रहा है ये दोनों, क्योंकि आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ये y प्राइम है और ये y की पावर माइनस वन ओवर टू प्लस वन है, दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, दोनों पे हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले y प्राइम वैसे का वैसे आता है, फिर आप लोग दूसरी टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी एक्स वाई की पावर माइनस वन ओवर टू प्लस वन, फिर आप लोग प्लस लिखते हैं, फिर आप लोग दूसरी टर्म यानी कि वाई की पावर माइनस वन ओवर टू प्लस वन वैसे का वैसे लिखते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट वाली टर्म का, और विच इज इक्वल टू वन का डेरिवेटिव वैसे ही आपको पता जीरो होता है, कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव जीरो होगा ना। अब ये एक सिंपलेस्ट वे है इस क्वेश्चन को हल करने का जो मैंने सोचा है, तो इसी से हम इसको करते हैं। अब ये वाई प्राइम तो आपके पास पहले वैसे का वैसे फिलहाल इसको लिखें, वाई प्राइम वैसे का वैसे लिखें, अब डेरिवेटिव लेंगे आप लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे वाई की पावर माइनस वन ओवर टू है ना, तो माइनस वन ओवर टू पहले पीछे आ जाएगा क्योंकि पावर लगेगा माइनस वन ओवर टू पीछे आ जाएगा, तो ये वाई की पावर में क्या बनेगा, y की पावर माइनस वन ओवर टू में एक और माइनस करें, माइनस वन ओवर टू में एक और माइनस करें तो ये बनेगा माइनस टू माइनस थ्री ओवर टू, ये बन जाएगा जी माइनस थ्री ओवर टू, ठीक हो गया जी, ये बन गया आपके पास माइनस थ्री ओवर टू। और दोबारा से आपने y का डेरिवेटिव लिया, दोबारा से y का डेरिवेटिव होता जी y प्राइम, उसके बाद प्लस वन, वन का डेरिवेटिव जीरो होता है उसको ना लिखें, उसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं जी आप लोग प्लस पे आ रहे हैं प्लस इंटू y की पावर माइनस वन ओवर टू प्लस वन, और डेरिवेटिव लेंगे वाई प्राइम का, तो वाई प्राइम का डेरिवेटिव होता है वाई डबल प्राइम विच इज इक्वल टू जीरो। अब हमें यहाँ पे चाहिए जी वाई डबल प्राइम चाहिए, तो वाई डबल प्राइम को एक साइड पे कर लें, बाकी को एक साइड पे लेके चले जाते हैं,
इसको आप लोग यहाँ इसी साइड पे लिख लें y की पावर माइनस वन ओवर टू प्लस वन, और ये जी आपको y डबल प्राइम विच इज इक्वल, उधर जाके क्या बन जाएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी आप लोग क्या करेंगे, y डबल मैंने उसको इसी साइड पे रख लिया, इसको अगर आप लोग उधर लेके चाहते हैं ये भी माइनस है, तो उधर जाके भी क्योंकि इसने माइनस ही होना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर ये भी y प्राइम हो, ये भी y प्राइम हो, तो ये बनेगा जी आपके पास वन ओवर टू y प्राइम, आपके पास दो दफा तो लिख रहे हैं जी y प्राइम का स्केयर, और लिख रहे हैं जी y की पावर माइनस थ्री ओवर टू। मैंने क्या किया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, जब बराबर के उस साइड पे जाएगा तो फिर भी जाके उस साइड पे माइनस ही होना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे फिर कोई भी माइनस नहीं आया। वन ओवर टू मैंने लिखा, ये y प्राइम और ये y प्राइम दो दफा उसका स्केयर लिखा, और y की पावर माइनस थ्री ओवर टू मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है जी, इसको तो लेके चले जाते हैं, ये बनेगा जी y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू वन ओवर टू। अब y प्राइम की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या मौजूद है, y प्राइम की वैल्यू ये थी, y प्राइम की जगह पे आप लोग पुट कर सकते हैं, y प्राइम की जगह पे पुट करें जी 1 ओवर y की पावर माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1, इसका स्केयर है तो स्केयर लिख लें, y की पावर माइनस 3 ओवर 2 है, ये चीज आपके पास और डिनोमिनेटर में आपके पास ये चीज बटे में आ जाएगी, y की पावर माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1, y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, लास्ट स्टेप है जी हमारे पास अब आखिरी, मजीद हम इसको लंबा नहीं करना। देखिए ये y की पावर माइनस 3 ओवर 2 नीचे लेके पीछे नीचे लेके आएंगे तो ये 3 ओवर 2 बन जाएगा, ये 1 ओवर 2 को वैसे नीचे ले आए, ये आएगा जी नीचे ले आए, इसको टू नीचे आ गया क्योंकि बटे में है तो नीचे आ जाएगा, बटे में नीचे आ गया। अब ये है जी वाई की पावर माइनस वन ओवर टू प्लस वन का स्केयर, और ये भी आपके पास वाई की पावर माइनस वन ओवर टू प्लस वन है, तो क्योंकि ये बटे में है तो बटे और बटे में बटे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये रूल है कि ये चीज इसके साथ, ये चीज इसके साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर टू है तो इसकी पावर वन है, इसकी पावर यार कुछ नहीं, उसकी पावर वन होती है, तो ये बन जाएगा जी वाई की पावर माइनस वन ओवर टू प्लस वन, इसकी पावर थ्री बन जाएगी। ठीक है जी, इसको भी नीचे उतार लें तो ये वाई की पावर थ्री ओवर टू यहाँ पे लिख लें, टू वाई की पावर थ्री ओवर टू आ जाएगी। ऊपर आपके पास क्या बचेगा, ऊपर सिर्फ सिर्फ आपके पास वन बचा जी, ऊपर वन का स्केयर वन होता है, बटे में टू बटे में आ गया, वाई की पावर थ्री ओवर टू बटे में आ गया, ये बटे में आगे थ्री बन गया, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23, यही आपका आंसर है। 24 में कहते हैं जी एक्स वाई प्लस वाई स्केयर विच इज इक्वल टू वन, डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे क्योंकि आपके पास एक्स और वाई दो चीजें मौजूद है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, पहले एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा, फिर वाई का डेरिवेटिव होता है जी वाई प्राइम, फिर प्लस लिखेंगे, फिर वाई वैसे का वैसे आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, प्लस का डेरिवेटिव होता है जी टू वाई वाई प्राइम विच इज इक्वल टू जीरो। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोग वाई प्राइम वाली को इधर ही रहने दे, बाकी उधर ले जाए तो ये बनेगा जी एक्स वाई प्राइम प्लस टू वाई y प्राइम विच इज इक्वल टू y को उधर ले जाते हैं बन जाएगा माइनस वाई। अब यहाँ से आप लोग y प्राइम को कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा x प्लस टू वाई विच इज इक्वल टू माइनस वाई। अब इसको उधर लेके चले जाए तो ये बन जाएगा जी y प्राइम विच इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर x प्लस टू वाई, ये आ गया जी आपके पास y प्राइम। अब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये बटे की फॉर्म है, डिवाइड की फॉर्म है, क्वेश्चन रूल लगेगा तो कर दें जी y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, क्वेश्चन रूल लगाते हैं तो नीचे x प्लस टू वाई का स्केयर बन जाएगा, ऊपर सबसे पहले x प्लस टू वाई वैसे का वैसे आएगा, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे d ओवर डी एक्स लेंगे जी माइनस वाई का, फिर माइनस लिखेंगे, फिर माइनस वन वैसे का वैसे लिखेंगे, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे जी x प्लस टू वाई का। अब कर दें जी इसको सिंप्लीफाई तो ये बन जाएगा y डबल प्राइम विच इक्वल टू x प्लस टू वाई, माइनस वाई का डेरिवेटिव होगा जी माइनस वाई का डेरिवेटिव होता है माइनस वाई प्राइम, माइनस वाई प्राइम माइनस माइनस प्लस प्लस वाई, इसका डेरिवेटिव वन होगा वन प्लस टू, इसका डेरिवेटिव होगा वन प्लस टू, वन प्लस टू और टू वाई, वन प्लस टू वाई और वाई का डेरिवेटिव होगा वाई प्राइम, यहाँ पे वाई नहीं आना, यहाँ पे वाई प्राइम वाई, वन प्लस टू वाई प्राइम, इसका एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस टू वैसे का वैसे वाई का डेरिवेटिव वाई प्राइम आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में जी आपके पास यहाँ पे देख लेते हैं जी एक्स प्लस टू वाई इसका स्केयर है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जहां जहां पे आपके पास y प्राइम है वहां वहां पुट कर दे माइनस वाई ओवर x प्लस टू वाई, क्योंकि जहां इसको मुझे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे y प्राइम की यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं जी यहां पे जहां जहां पे y प्राइम है वहां पुट करें माइनस वाई ओवर x प्लस टू वाई, तो ये बनने जा रहा है आपके पास y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू x प्लस टू वाई, तो पहले वैसे का वैसे लिखेंगे x प्लस टू वाई वैसे का वैसे आ जाएगा, उसके बाद हमने y प्राइम की वैल्यू ये पुट करी तो यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपल आ जाएगा जी आपके पास सिंपल आ जाएगा y ओवर x प्लस टू वाई आ जाएगा, उसके बाद प्लस y इंटू वन प्लस टू वाई प्राइम, प्लस y इंटू वन प्लस टू और y प्राइम है जी आपके पास माइनस y ओवर x प्लस टू वाई, माइनस y ओवर x प्लस टू वाई, ब्रैकेट में कर देते हैं क्लोज, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना जी हम लोगों ने x प्लस टू वाई का स्केयर आ जाएगा,
नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास वाई डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, अब देखें यहां पे दोनों, यहां पे भी x प्लस टू वाई मौजूद है, यहां पे भी x प्लस टू वाई मौजूद है, तो क्यों ना हम इसको कॉमन ले रहे हैं, तो क्योंकि ये बटे में है तो फिर बटे में ही कॉमन लेते हैं, बटे में वन ओवर x प्लस टू वाई ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, क्योंकि यहां भी बटे में है और यहां भी बटे में है, तो वन वन के बटे में आएगा ना, वन ओवर x प्लस टू वाई को कॉमन लिया, तो जब ये चीज कॉमन आ गई तो फिर यहां भी आपके पास बचा वाई इंटू एक्स प्लस टू वाई, वाई इंटू एक्स प्लस टू वाई, ये वाई इंटू एक्स प्लस टू वाई बच गया, ये तो ऑलरेडी बाहर कॉमन है, प्लस y को अंदर करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये y को 1 से मल्टीप्लाई तो y ही आएगा यहाँ पे, तो y के साथ फिर इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यानी कि y इंटू एक्स प्लस टू वाई आ जाएगा, क्योंकि y के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इसके साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास y बचेगा, ठीक है, y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y आता है ना, तो y के साथ हम इसको साथ लिखेंगे x प्लस टू वाई, क्योंकि ये और ये कैंसिल होगा तो फिर यहाँ पे y बचेगा, उसके बाद जी प्लस माइनस माइनस यहाँ पे लिख लें, अब ये ऑलरेडी चीज बाहर रखी बच गया जी माइनस टू वाई, और ये भी वाई है तो ये वाई स्केयर, क्योंकि ये भी वाई अंदर मल्टीप्लाई होगा तो टू माइनस टू वाई स्केयर आ जाएगा, ये चीज हमारे पास बन जाएगी यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बने, बटे में यहाँ पे लिख लें जी, ये बटे में जी आपके पास एक्स प्लस टू वाई का स्केयर, इसको मैंने लिख लिया, अब ये बनेगा जी वाई डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, अब देखिए ये भी बटे में ये भी बटे में, अब बटा बटा दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये बनेगा जी आपके पास ऊपर इनको करके मल्टीप्लाई, ये बनेगा एक्स वाई प्लस टू वाई स्केयर बन जाएगा, उसके बाद ये बनेगा आपके पास प्लस एक्स वाई प्लस टू वाई स्केयर माइनस टू वाई स्केयर, डिनोमिनेटर में आपके पास ये भी और ये भी दोनों आपस में मिलकर बन जाएंगे एक्स प्लस टू वाई की पावर थ्री, यानी कि एक्स प्लस टू वाई का क्यूब बन जाएगा, अब देखें ये एक्स वाई और ये एक्स वाई आपके पास बनेगा टू एक्स वाई, ये टू वाई स्केयर माइनस टू वाई स्केयर कैंसिल हो जाएगा, एक्स टू एक्स वाई प्लस टू वाई स्केयर ओवर एक्स प्लस टू वाई की पावर थ्री, आई थिंक दिस इज द फाइनल आंसर, हम लोग चेक कर लेते हैं, हाँ जी दिस इज द फाइनल आंसर, ये भी फाइनल आंसर है, यहाँ से टू वाई उसने कॉमन लिया तो ले सकते हैं आप लोग, वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू यहाँ से टू वाई कॉमन ले लें, टू वाई कॉमन लिया तो ये बचा यहाँ पे एक्स प्लस टू भी बाहर है वाई, एक्स प्लस वाई ओवर एक्स प्लस टू वाई की पावर थ्री, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 दोनों सेम है, लेक्चर काफी लेंथी होने जा रहा है, तो क्वेश्चन 25 26 बिल्कुल सेम है, तो मैं क्वेश्चन 26 करवा देता हूं, तो देखते हैं जी इसके अंदर डेरिवेटिव लेंगे तो साइन वाई का डेरिवेटिव आपके पास बन जाएगा यहाँ पे कॉस वाई इसका डेरिवेटिव बनेगा, और वाई का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो बनेगा जी वाई प्राइम विच इज इक्वल टू, अब ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपके पास लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो पहले एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है जी माइनस साइन वाई और वाई का डेरिवेटिव वाई प्राइम प्लस फिर कॉस वाई वैसे का वैसे आएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन होगा माइनस टू का डेरिवेटिव होता है जीरो, ये मैंने इसका कंप्लीट डेरिवेटिव ले लिया, ये बना जी आपके पास कॉस वाई वाई प्राइम विच इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्राइम साइन वाई प्लस ये है जी आपके पास कॉस वाई। अब देखें हमने क्या करना है जी, वाई प्राइम वाली को एक साइड पे कर लेते हैं, इसको इधर लेके चले आते हैं वाई प्राइम कॉस वाई, इसको इधर ले प्लस एक्स वाई प्राइम साइन वाई विच इज इक्वल टू है जी आपके पास कॉस वाई, अब यहाँ से आप लोग वाई प्राइम को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा आपके पास कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई विच इज इक्वल टू कॉस वाई, अब वाई प्राइम इधर ही रहने दें, इसको जाके तो इसको साथ कर दें डिवाइड कर दें, कॉस वाई के डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई, ये है जी आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव वाई प्राइम का आंसर। अब हम लोग लेंगे जिसका अगेन दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा आपके पास y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, देखें ये आपस में डिवाइड हो रहा है, तो जब यह आपस में डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन रूल ही लगेगा, तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, क्वेश्चन रूल में क्या होता है जी, नीचे आपके पास इसका स्केयर आ जाता है कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई, इसका स्केयर आ जाता है ऊपर आपके पास ये वैसे के वैसे आ जाएगी कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई, और डेरिवेटिव लेंगे आप लोग ऊपर वाली टर्म का, यानी कि डी ओवर डी एक्स इंटू कॉस वाई का, फिर माइनस लिखेंगे, फिर कॉस वाई वैसे का वैसे लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाली टर्म का कॉस वाई माइनस एक्स साइन वाई। अब देखें जी कितना खूबसूरत हमारे पास क्वेश्चन बन गया, काफी लेंथी होने जा रहा है लेक्चर, तो ये बनेगा जी वाई डबल प्राइम विच इज इक्वल टू कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई, तो वैसे का वैसे आ गया जी कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई, वैसे का वैसे आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे कॉस वाई का तो वो बनेगा आपके पास माइनस साइन वाई, तो ये आ गया जी माइनस साइन वाई, और वाई का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वाई प्राइम बनेगा, उसके बाद माइनस कॉस वाई वैसे का वैसे फिलहाल आपके पास माइनस कॉस वाई वैसे का वैसे आएगा, डेरिवेटिव लेंगे कॉस वाई का तो वो होता है जी माइनस साइन वाई, उसके बाद है जी माइनस, अब यहाँ पे एक्स है और साइन वाई है दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई,
तो यहां पे भी आपके पास प्रोडक्ट रूट लगने जा रहा है। तो एक्स और साइन वाई का यहां पे हम प्रोडक्ट रूट लेके तो वहां पे लिख लेते हैं क्योंकि वहां पे जगह कम है। एक्स और साइन वाई का हम लेते हैं प्रोडक्ट रूट लगाते हैं। तो पहले एक्स वैसे का वैसे आएगा, साइन वाई का डेरिवेटिव होगा कॉस वाई प्लस फिर साइन वाई वैसे का वैसे आएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन होगा। तो ये आएगा जी इसका आपके पास प्रोडक्ट रूट यहां पर लगेगा। मैंने क्या किया, एक्स वैसे का वैसे साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई के साथ भी वाई प्राइम आएगा। दोबारा से हम डेरिवेटिव लेते हैं इस एंगल का प्लस साइन वाई वैसे का वैसे का डेरिवेटिव वन आ गया। तो ये यहाँ पे आने जा रहा है माइनस, ये क्या बनेगा जी एक्स, ये चीज लिखे एक्स कॉस वाई वाई प्राइम, ये प्लस है तो पीछे माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा माइनस साइन वाई, ब्रैकेट कर दी क्लोज, ये चीज आपके पास आ जाएगी। और डिनोमिनेटर में जो भी है उसको डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में जी आप लोगों के पास कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई का स्केयर लिखें जी, कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई का स्केयर आ जाएगा। आप देखें जी वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे। अब इन दोनों को आप लोगों ने करना है आपस में मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले देखें यहाँ पे वाई प्राइम मौजूद है तो क्यों ना हम लोग वाई प्राइम की वैल्यू पुट करें, वाई प्राइम इज इक्वल टू कॉस वाई ओवर कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई। तो वैल्यू पुट करते हैं तो ये बनेगा जी कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई, यहां पे जी आपके पास माइनस साइन वाई और वाई प्राइम की वैल्यू पुट करें कॉस वाई ओवर, ये बनेगा जी कॉस वाई ओवर कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई, वैल्यू मैंने कर दी पुट। उसके बाद यहां पे क्या बनने जा रहा है उसके बाद है जी ये यहां पे ये माइनस है उसको यहां पे माइनस लिखें, माइनस कॉस वाई ये वैसे का वैसे आ जाएगा माइनस कॉस वाई इंटू साइन वाई, और ये वाली टर्म आपके पास वैसे के वैसे यहाँ पे आ जाएगी। मैं बताता हूँ सिंप्लीफाई करके, डिनोमिनेटर में जी आपके पास कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई इसका होल स्केयर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई, ये भी कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई, ऑब्वियसली हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैंसिल कर दें तो ये बनेगा वाई डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, अब ये आपके पास ये है जी आपके पास माइनस साइन वाई कॉस वाई, ठीक है जी। अब तो यहाँ पे आपके पास क्या जी बचा हमारे पास माइनस साइन वाई कॉस वाई, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब ये जी आपके पास यहाँ पे जी माइनस कॉस वाई, अब माइनस कॉस वाई देखे यहाँ पे माइनस कॉस वाई सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था माइनस कॉस वाई, और यहाँ पे क्या बचा देखे जी माइनस साइन वाई, ये वाला माइनस साइन वाई माइनस एक्स कॉस वाई वाई प्राइम कॉस वाई वाई प्राइम माइनस साइन वाई, ये चीज है। और डिनोमिनेटर में जी आपके पास कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई होल का स्केयर यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है जी, आप लोग ऐसा करें कॉस वाई को अंदर करवा दें सबके साथ मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा वाई डबल प्राइम विच इज इक्वल टू माइनस साइन वाई, और आपके पास है जी माइनस साइन वाई कॉस वाई माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा जी ये भी बन जाएगा कॉस वाई और साइन वाई, ठीक है जी। उसके बाद ये माइनस माइनस इसको कर दें प्लस, ये बन जाएगा एक्स कॉस स्केयर वाई वाई प्राइम फिर माइनस माइनस प्लस कॉस वाई साइन वाई कॉस वाई साइन वाई। अब देखें यहाँ पे क्या चीज कैंसिल हो रही है, बटे में आ गया जी कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई इसका होल स्केयर आ जाएगा। अब देखें जी वाई डबल प्राइम विच इज इक्वल टू माइनस साइन वाई कॉस वाई और प्लस साइन वाई कॉस वाई, ये दोनों हो गए आपस में कैंसिल। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास यहाँ पे बच गया जी ये लिखे यहाँ पे पहले इसको लिख लें कॉस वाई और साइन वाई को, साइन वाई कॉस वाई प्लस एक्स कॉस स्केयर वाई, और ये जी आप लोगों के पास यहाँ पे देखे वाई प्राइम है तो अभी भी यहाँ पे वाई प्राइम की जगह पे आपने यही पुट करना है जो हमने फाइंड किया कॉस वाई, यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू लाजमी पुट करनी है कॉस वाई ओवर कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई, और डिनोमिनेटर में जी आपके पास कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई होल का स्केयर आ जाएगा। अब देखें जी यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई बटे में है, इसको लेंगे यहाँ पे एलसीएम में रखेंगे, एलसीएम में लेंगे तो ये नीचे आके इसकी पावर थ्री हो जाएगी, ऊपर इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखें जी मैंने यहाँ पे आप क्या करना है, ये कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई को मैंने लेना है यहाँ पे एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा, ये देखें यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लिया मैंने कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई मैंने एलसीएम लिया तो उस एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या ये बना देगा साइन वाई कॉस वाई इंटू, इसको साथ लिख लें जी कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे प्लस एक्स कॉस स्केयर वाई प्लस एक्स
कॉस स्क्वायर वाई, अब ये सारे इसके साथ कैंसिल हुआ तो ये बचा कॉस वाई, ये बचा जी आपके पास कॉस वाई, और फुल डिनोमिनेटर में सबके बटे में क्या जी कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई होल का स्क्वायर है यहाँ पे, देखिए जी वाई डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, अब ये साइन वाई कॉस वाई इनको फिलहाल आप लोग वैसे का वैसे लिखते हैं साइन वाई, ये है जी आपके पास कॉस वाई इंटू कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई प्लस एक्स कॉस की पावर थ्री वाई, क्योंकि यहाँ पे ये कॉस है ये भी कॉस है, कॉस की पावर थ्री वाई बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास ये इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बनेगा कॉस वाई प्लस एक्स साइन वाई होल की पावर में आ जाएगा थ्री, ये टू और इसकी पावर में वन है ये थ्री आ जाएगा, तो आई थिंक इतना ही काफी है, यही इसका फाइनल आंसर आप लोग लिख लें, अगर मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें इसको इसका मल्टीप्लाई करवा दें, लेकिन आई थिंक इतना ही काफी है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 26। तो यही था आज का हमारा लेक्चर, हमने जो है ना वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, मैंने कोशिश की इजी स्टेप्स में आपको समझाया जाए ताकि आपको समझ आ जाए, फिर भी आपको कहीं से क्यूरी थी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे लाजमी ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, अपना भी ख्याल रखा कर इस चैनल का भी ख्याल रखा कर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाया करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।